भिवानी में स्वास्थ्य विभाग ने एक निजी अस्पताल में काम करने वाले युवक को गर्भपात की प्रतिबंधित गोलियां बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि हांसी गेट स्थित निजी अस्पताल अरोड़ा नर्सिंग होम में बनी दवा की दुकान पर गर्भपात की प्रतिबंधित दवा बेची जा रही है। सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फर्जी ग्राहक तैयार किया। इस ग्राहक ने टीम के बताए अनुसार अरोड़ा नर्सिंग होम की दवा की दुकान पर प्रतिबंधित दवा के लिए संपर्क किया। इस दुकान पर खड़े एक युवक ने उसे दुकान से कुछ दूरी पर ले जाकर दवा दे दी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस युवक को मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद इसे अस्पताल की दुकान पर टीम लेकर गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम जब दुकान पर पहुंची तो वहां से अधिकृत दवा विक्रेता सुरेंद्र मौजूद नहीं मिला। टीम की गिरफ्त में आए युवक सुरेश से जब बात की गई तो उसने बताया कि वो अस्पताल में काम करता है। आरोपी सुरेश ने बताया कि उसके पास 1.5 साल से ये दवा पड़ी थी। जब एक युवक ये दवा खरीदने आया तो उसने 650 रुपए में उसे दे दी। हालांकि आरोपी युवक सुरेश मीडिया के सामने मानने को तैयार नहीं हुआ कि उसने पहले भी किसी को ये प्रतिबंधित दवा बेची है, न ही ये बताने के लिए तैयार है कि उसने ये गोलियां कहां से खरीदी थी। आपको पता नहीं था? ये क्या पड़ी थी सर मेरे पास? क्या और भी साथी है? वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के मुखिया एवं डिप्टी CMO डॉक्टर मीना बरबार ने बताया कि गर्भपात की दवा या गोलियां बेचना प्रतिबंधित है। केवल डॉक्टर की सलाह पर ही किसी महिला को ये गोलियां दी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि सूचना के आधार पर उन्होंने फर्जी ग्राहक तैयार कर ये छापे की कार्रवाई की है। डॉक्टर मीना बरबार ने बताया कि फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जाँच पूरी होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर मिली थी कि कोई MTP ड्रग इलीगल तरीके से बेच रहा है, जो कि जबकि ये शेड्यूल एच की ड्रग है, ऐसे बिना डॉक्टर की मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन के नहीं बेची जा सकती। देन और केमिस्ट भी कोई नहीं बेच सकता। ये अभी इसने कुछ नहीं बताया, लेकिन इसने मेडिसिन दी है, MTP किट दी है, और वो भी गली में बुला के दी है। लीगल कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी।